Look at this view, guys. और वो सामने देखो बिल्कुल क्या क्लाउडी क्लाउडी हो रहा है, पहाड़ों के ऊपर क्लाउड जैसे रख दिए होंगे किसी ने। जय बोले मामा। सो अभी हरिद्वार पहुंच चुके हैं और यहाँ गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल विद अनदर ब्लॉग। होप करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मौज में होंगे। सो गाइज, आज है अपना चौथा विंटर राइड का डे 4 और हम जाएंगे आज देवप्रयाग से दिल्ली। अराउंड 350 किलोमीटर की राइड है तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। और कल आए थे हम चौपता से देवप्रयाग 10 किलोमीटर का ट्रैक करके और 150 किलोमीटर की राइड करके, तो हालत ना बहुत टाइट थी। और मैंने ना लिटरली ये नहीं सोचा था कि मेरे को चौपता में इतनी स्नोफॉल मिलेगी कि अपनी बाइक क्रैश हो जाएगी और बाइक की बैंड बच जाएगी। और चलो कोई नहीं, ये तो होता रहता है राइड पे। आज निकल रहे हैं हम दिल्ली के लिए। अभी टाइम हो चुका है, 10 बज चुके हैं और ये सामने का वेदर चेक करो, क्या ऑसम वेदर है। तो गाइज अभी करते हैं राइड आज की स्टार्ट और निकलते हैं दिल्ली के लिए। सो लेट्स गो। हर महादेव, हर हर महादेव। आज की यात्रा अपनी मंगलमय हो। 10:30 हो चुका है टाइम और मैं देवप्रयाग पहुंच चुका हूं। और अभी ये जो टाइम लैप्स देखा ना, ये मैंने मॉर्निंग में लिया था और बहुत प्यारा व्यू था। मॉर्निंग में पूरे क्लाउडी क्लाउड लगे हुए थे, अभी जस्ट क्लियर हो चुका है सब कुछ। और यहाँ का मौसम ना बहुत प्यारा है, जब शूट करो ना कैमरे में तो ऐसे प्यारे प्यारे क्लाउड से आते हैं, प्यारे प्यारे पहाड़, तो देख के ना मज़ा आ जाता है। और आप भी इंजॉय करो। और वो सामने देखो बिल्कुल क्या क्लाउडी क्लाउडी हो रहा है, पहाड़ों के ऊपर क्लाउड जैसे रख दिए होंगे किसी ने। यही तो है उत्तराखंड की खासियत, आपको यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ऐसे प्यारे प्यारे पहाड़ और उनके ऊपर रखे हुए क्लाउड मिलेंगे जो कि बहुत प्यारे लगते हैं। और आज भी ना मैं सोलो राइड कर रहा हूँ और सोलो राइड में सबसे बड़ा फ़ायदा मेरे को ये लगता है कि मैं कभी भी लेट नहीं होता हूँ। वैसे आज लेट हो चुका हूँ क्योंकि अभी 11 बज चुके हैं और मैं अभी मोस्टली 20-30 किलोमीटर अभी बाइक राइड करी है मैंने। सो यहाँ से दिखाते हैं आज आपको एक प्यारा सा व्यू। ये देखो मौसम ना कितना क्लियर हो रहा है और वो नीचे गंगा नदी। और ये देखो इधर इस साइड अभी रोड का काम चल रहा है, पूरा अभी हुआ ही नहीं है। मौसम बहुत क्लियर हो रहा है, धूप बहुत प्यारी लग रही है आज, इसीलिए ठंड नहीं है। तो चलते हैं अब। अभी पहुंच चुके हैं हम मालाकुंडी में और अभी यहां से व्यू दिखाता हूं अभी आपको। नीचे चलते हैं और थोड़े मजे लेके आते हैं। लुक एट दिस व्यू गाइस। क्या प्यारा नजारा है। और ये सामने ऊपर हो रही है कैंपिंग, ये देखो नीचे अपने गंगा नदी। मतलब
अल्टीमेट। सो गाइस ये था मालाकुंडी और ऋषिकेश से 15-20 किलोमीटर ऊपर है और कैंपिंग करने के लिए बेस्ट प्लेस है। व्यू तो आपने देख लिया होगा, कितना प्यारा व्यू है और बहुत अच्छा लोकेशन है। कैंपिंग भी होती है यहाँ से और राफ्टिंग भी होती है। भाई यहाँ पे फोटो शूट कर रहा है, भाई मेरे भी खींच दे फोटो, वो भी बुलेट पे शूट हो रहा है। तो यहाँ पे ना काफी सारे लोग ना आते रहते हैं ऐसी शूट करवाने के लिए, प्री वेडिंग शूट बहुत ज्यादा होते हैं यहाँ पे। मोस्टली लोग प्री वेडिंग शूट ना ऋषिकेश और ऋषिकेश के आसपास के एरिया में करते हैं क्योंकि यहाँ के लोकेशन बहुत प्यारा है। नाउ वी आर इन ऋषिकेश गाइस, और ऋषिकेश क्रॉस हो गया, तपोवन पहुंच गए अभी हम और टाइम हो गया 1 बजने वाले हैं अभी, 12:45। जाम लगा हुआ है भाई, जाम यहाँ ना यही दिक्कत है, जैसे ऋषिकेश में एंटर करो ना वैसे ही जाम मिलना शुरू हो जाता है। और अगर आप यहाँ से लेफ्ट लेते हैं तो दिल्ली हरिद्वार रुड़की मेरठ की तरफ, और सीधा जाते हैं तो सीधा नरेंद्र नगर चंबा टीरी की तरफ। ये देखो दो राइडर और हैं यहाँ पे, ये भी कहीं जा रहे होंगे राइड पे। बोले बाबा। सो अभी हरिद्वार पहुंच चुके हैं और यहाँ देखो मौसम, पीछे ऋषिकेश में इतनी तेज़ धूप थी और यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है बारिश होने वाली है या आगे बारिश हो रही है शायद, अगर बारिश हुई ना तो अपनी लंका लगने वाली है आज। और बहुत यहाँ पे ना ठंड भी पड़ चुकी है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है और पीछे मौसम इतना प्यारा था, यहाँ देखो ठंडा हो गया बिल्कुल एकदम, ऐसा लग रहा स्नोफॉल गिरने वाली है यहाँ भी। अब अपन दिल्ली पहुंच गए और अपनी राइड हो गई कंप्लीट, और क्या मस्त मज़ा आया। और इस बार अपन ने करी है 950 किलोमीटर के ऊपर की राइड करी है, और आसमान देखो अभी कितना गंदा मौसम हो रहा है यहाँ पे, और वहाँ कितना प्यारा मौसम हो रहा था उत्तराखंड में, क्या क्लाउडी क्लाउडी आसमान हो रहा, और यहाँ देखो पूरा काला काला हो रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सो अभी जस्ट 10 या 15 मिनट में अपन घर पहुँच जाएँगे और ये राइड अपनी सुपर। सो फाइनली गाइस अपन पहुंच गए घर और राइड कंप्लीट। जय तुंगनाथ महादेव। सो फाइनली गाइस अपनी राइड हो चुकी है कंप्लीट, और ये मैंने फर्स्ट टाइम विंटर राइड करी और फर्स्ट टाइम था मेरा जब मैंने स्नोफॉल में राइड किया। और ये देखो अपनी ट्रिप टू 938 किलोमीटर 1000 होते होते रह गए, बट कोई नहीं नेक्स्ट टाइम अपन कंप्लीट करेंगे। और बाइक के साथ थोड़ा एक दो कांड करवा दिए, एक तो इसका हॉर्न नहीं बज रहा, दूसरा इसका लेग गार्ड का जो पीछे का कवर होता है ये टूट गया क्योंकि बाइक ऐसे खड़े खड़े गिरी थी और लेग गार्ड अपना पीछे चला गया था तो उसकी वजह से टूट गया, बट ये भी कोई दिक्कत नहीं, इसको भी ठीक करवा लेंगे। और राइड में आया अपने को बहुत ज़्यादा मज़ा, और आई होप आपको भी ये सीरीज़ ना बहुत पसंद आने वाली है। तो प्लीज़ डू लाइक एंड डू शेयर एंड डू कमेंट कि कैसा लगा आपको वीडियो, अच्छा लगा बुरा लगा।
तो वो भी आप बताना कि ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में वो भी कवर कर लेंगे। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ताकि आपको आगे भी ऐसा कॉन्टेंट मिलता रहे और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो अभी के लिए बाय बाय और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो थैंक यू सो मच।